तो हम लोग मंत्र मंत्र पे हम लोग कार्बी, हम लोग असम से विशेष करके कार्बी इस स्टेशन से अपनी तीन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ करने पे आए हैं। मांग है कि देखिए माननीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जब चुनाव के पिछले चुनाव के पहले असम करके हम लोग में गए थे तो वहाँ के लोगों से वादे करके आए थे कि केंद्र में जब बीजेपी का सरकार होगा, बीजेपी का सरकार बनेगी तो पहले हम लोग बीजेपी का सरकार का काम होगा, नरेंद्र मोदी का काम होगा कि कार्बी आंगलम और दिमहासाओं को आर्टिकल के ऊपर वोट के तहत जो एक राज्य के भीतर में एक छोटा सा राज्य बना सकते हैं तो उसी को लेकर हम लोग आर्टिकल के ऊपर वोट करें, हम लोग बीजेपी की सरकार से पहले काम करेंगे। तो अभी ये काम करते 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 5 साल बीतने वाले, सिर्फ 2 महीना बाकी है। अभी ये आर्टिकल के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की बजाय पूरा नॉर्थ ईस्ट में अभी नागरिक संशोधन विधेयक 2016 को मतलब लागू करने जा रहा है, ये लोकसभा तक पारित हो चुका है, अभी फिलहाल राज्यसभा में बाकी है, पेंडिंग है। अगर ये लागू हो गया तो देखिए असम को लेके, कार्बी आंगलम को लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिजिनस पीपल है उनके राइट्स को खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग KS भाई की तरफ से ये मांग है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 जल्द से जल्द वापस लेना होगा, सरकार का वापस लेना होगा, लागू करने से मना वापस लेना होगा और ये पूरा स्क्रैप करना होगा। और तीसरा है कार्बी आंगलम में फिलहाल यूनिवर्सिटी कैंपस यूनिवर्सिटी नहीं है, अभी सेटेलाइट के जरिए यूनिवर्सिटी का काम काज चला रहा है असम यूनिवर्सिटी सिलचर से। तो ये इस तरह से असम यूनिवर्सिटी से कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम लोग की मांग है कि कार्बी आंगलम में भी फुल फ्लेज्ड का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए और मेडिकल कॉलेज और IT सेंटर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो सेंटर है वो जल्द से जल्द डिपू में कार्बी आंगलम में लागू होना चाहिए। अगर सरकार ने हमारे इन तीन मांगों पर पूरा नहीं किया तो हम लोग आने वाले सिचुएशन में कार्बी आंगलम के पूरे जन आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन के जरिए हम लोग मांगों को और मजबूत करेंगे।